उत्तराखंड के चमोली में अचानक ग्लेशियर टूटने के बाद जो हादसा हुआ, इसमें कई लोगों की जानें चली गईं। इस आपदा में दूसरे राज्य से उत्तराखंड में काम करने वाले मजदूर भी शिकार हुए। झारखंड के मजदूर भी शिकार हुए जो काम करने के लिए झारखंड से उत्तराखंड के चमोली आए हुए थे। 20 दिन बीत जाने के बाद भी कई प्रवासी मजदूरों के शव अभी तक नहीं मिले हैं। ऐसे में झारखंड के रामगढ़ जिले के चौकदा गांव के कुछ मजदूर चमोली त्रासदी की चपेट में आ गए। उत्तराखंड सरकार द्वारा लापता मजदूरों को मृत घोषित कर दिया गया। घोषणा के बाद परिजनों की उम्मीद टूटकर बिखर गई। लिहाजा फिर मजदूरों के परिवारों ने तय किया कि प्रवासी मजदूरों का पुतला बनाकर उनका अंतिम संस्कार किया जाए, जिसके बाद परिजन और गांव वालों ने शव नहीं मिलने के बाद लापता मजदूरों का पुतला बनाकर उनका अंतिम संस्कार किया। दरअसल चमोली में रामगढ़ जिले के गोला प्रखंड क्षेत्र के 4 मजदूर लापता हो गए। मजदूरों के लापता होने के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल था। इस घटना के बाद से उनके घर में मातम छाया हुआ है। परिजनों के आंसू भी अब सूख गए हैं। परिजनों को उम्मीद थी कि लापता परिजन मिल जाएंगे, इसी उम्मीद से उनके परिवार जी रहे थे, लेकिन सरकार के मजदूरों को मृत घोषित करने के बाद परिवार की उम्मीद टूट कर बिखर गई। बेटे के वापस आने की उम्मीद खो चुके उत्तराखंड में लापता हुए मजदूर मिथिलेश महतो के पिता राजा राम महतो का कहना है कि मेरा बेटा उत्तराखंड में काम करने गया था, काफी खोजबीन किया पर कुछ अता पता नहीं चला, अंत में हार मान कर पुतले से ही अंतिम संस्कार कर दिया। आपको बता दें, ऋषि गंगा में आई आपदा में लापता 205 लोगों में से 72 लोगों के शव मिल चुके हैं, जबकि 133 अभी भी लापता हैं। रेस्क्यू अभियान जारी है, लेकिन टनल में लगातार पानी का रिसाव होने के कारण यहां मलबा हटाने का काम काफी प्रभावित हो रहा है। न्यूज़ डेस्क।